हाँ पतीली में से हाथ डाल के खा रही हूँ, मेरे बाप का घर है ना इसलिए। सच में मेरे बाप का ही घर है इसलिए खा सकती हूँ। इट्स वेरी टेस्टी, राई की सब्जी बनी है ये, अच्छी है ना? मस्त है। पापा को नहीं अच्छी लगी बोलो। मेरे पापा को नहीं अच्छी लगी। थैली है देखो ना, इसमें रोटी बनी। अर्ली मॉर्निंग का मेरा ये रूटीन है फलक के लिए टिफ़िन बनाना। तो एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, टेंथ के बच्चों के शुरू हो गए, HSC वालों के शुरू हो गए। यस ऑफ कोर्स गर्म पानी, तो एक 15 बोल रही हूँ, 500 ml जितना मेरा ये बड़ा कप है उसे भर के मैं पीती हूँ सुबह सुबह, और गिविंग मी गुड रिजल्ट्स। तो मैं साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ, फलक की बहुत फेवरेट है साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी दोनों फेवरेट है फलक की। तो तला हुआ नहीं देकर मैंने सोचा कि साबूदाना खिचड़ी बना देती हूँ। अगर आप साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं तो साबूदाने को अच्छे से धो लीजिएगा, तो उसमें जो कुछ थोड़ा सा आटा जैसा रहता है वो नहीं रहेगा, तो साबूदाना खिचड़ी आपकी चिपचिप नहीं बनेगी। तो मैंने एक प्याज ली है, जीरे का तड़का लगाया है इसमें, और करी लीव और हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च बड़ी वाली है तो कलर आएगा, फ्रेग्रेंस आएगी, फ्लेवर आएगा, लेकिन तीखा नहीं होगा। हल्की सी शुगर और हल्का सा मैंने सॉल्ट दिया है इसमें। इसे कहते हैं मेरी मिस्टेक, मैंने उठकर नाश्ता बना लिया, फलक का टिफिन भी बना दिया। अभी मैं जब फलक को उठाने के लिए गई, फलक वाज लाइक 1 मिनट, आई सेड बेटा 1 मिनट, 1 मिनट क्या? शी सेड मम्मा आज स्कूल की छुट्टी है। मैंने कहा हाँ स्कूल की छुट्टी है, आज होली है ना? आई सेड हाँ यार। छुट्टी के दिन में मैंने उसे उठा दिया और नाश्ता भी बना दिया, उसका मिल्क भी बना दिया, स्कूल का टिफिन भी रेडी है। तो आज के दिन की ये मेरी भूल, मिस्टेक। मुझे ज़रूर बताना किसी दिन ऐसा हुआ है कि छुट्टी के दिन भी आपने उठकर नाश्ता बना के रेडी कर दिया और बच्चों को भी उठा दिया, चलो चलो बेटा। और मैंने फलक का ड्रेस वगैरह सब इस्त्री करके चकाचक रख दिया, पानी का बॉटल भर के रख दिया, और बस साबूदाना इसका रेडी हो गया। ज़रूर मुझे बताना कि कभी आपने ऐसी गलती की है या नहीं। यस, ये सारी चीज़ें धुलकर सूख रही हैं क्योंकि ये मेरी ब्रेड बेकिंग क्लास सैटरडे के दिन मैं ले रही हूँ मीरा रोड में, ब्रेड बेकिंग क्लास 11 to 6। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना तो ज़रूर करवा लो सैटरडे के लिए। तो ये सारा कुछ पैक करके मैं अपने घर से ले जाऊँगी मीरा रोड तक, और ऑफ कोर्स वो सारा सामान वापस आ गया है मेरे ससुराल से जो मैंने गिफ्ट भेजे थे, मैंने कुछ गलत लिखा था या पता नहीं क्या मिस्टेक थी, तो उनको रीपैक कर दे रही हूँ ये सारा सामान, क्योंकि उन लोग ने अलग अलग डब्बे नहीं भेजे, एक साथ ये सारा कुछ भेज दिया। नाश्ता तैयार हो चुका था और साबूदाना तो खा लिया जाए। As I promised, गिफ्ट वापस आ गए घर पर मेरे। अब मैंने इसे पैक कर दिया है। दिस वन इज़ फॉर पूजा एंड टू अदर फीमेल्स जिनको चॉकलेट देनी थी, बट आज क्योंकि होली है तो ये पोस्ट नहीं हो सकता है। मैं पोस्ट करके आपको इंस्टाग्राम पे कुरियर की चिट डाल दूंगी, आप फॉलो अप करें। ये बन रही है ज्वारी की रोटी, ये है मेरी अम्मा जी और मैं भी अपने पापा के घर पे हूँ। तो यस, बहुत पतली पतली रोटी बनाती, बहुत इन द सेंस बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाती हैं वो ज्वारी की। ये मेरी न्यू मॉम है, न्यू मॉम इन द सेंस अब तो 20-22 साल पुरानी हो गई हैं लेकिन बहुत प्यारी हैं, और फलक तो उनकी जान है, शी लव्स फलक, बहुत ज़्यादा वो फलक को प्यार करती हैं, है ना फलक? तो मैं वहाँ चली गई थी, उनसे मुलाकात भी हुई, तो लंच के लिए उन्होंने मुझे कहा कि रुक जाओ, मैंने कहा नहीं नहीं बहुत सा काम है, तो इसलिए मैं वापस आ गई। पर मस्टर्ड, हाँ मैं समझ गई पापा, अब मैं कुकिंग क्लास चलाती हूँ, मेरे पापा समझते मैं अभी भी छोटी सी बच्चा हूँ। देखो कितनी फूली फूली, पूरी की तरह बनाती है मेरी मम्मी रोटी, दिख रही है फूली फूली, जवारी की रोटी है ये। वो क्या बात है अम्मा जी, वेरी गुड, जवारी की पतली पतली फूली फूली रोटी। अभी वो वाली के लिए मैं नहीं रुकूंगी, मैं बस ये लेके जा रही हूँ। हाँ वाओ, देखा मेरी मम्मी का कमाल। दिख रही है
थोड़ी ठंडी होगी तब डालती हूँ उसको, ठंडी वरना भाप निकल के खराब हो जाएगा। हाँ, वेनसडे के दिन लाइव आ रही हूँ 11 बजे। सैटरडे के दिन मैं ब्रेड बेकिंग क्लास ले रही हूँ मीरा रोड में, और ग्रेवी घर पर बनाई, बाकी तो सब्जी रोटी मैं अपने बाप के घर से लाई हूँ। Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blah, blah. I guess it never hit you, our conversation day.